दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं जो किंगफिशर की तरफ से उनके ऑफिशियल वेबसाइट और उनके ऑफिशियल YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला गया था, जो कि डाला गया था 30 मार्च को। और इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक इंस्टेंट बियर के बारे में, एक बियर जो आप कैरी कर सकते हैं अपनी पॉकेट में और उसे स्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वीडियो को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके बाद में हम बात करेंगे क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि आपको दो अलग अलग पाउच आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें एक में बियर पाउडर है और एक में जो है कार्बनिक पाउडर है। तो इन दोनों को आप मिला के, बियर जो है वो ठंडे पानी में, इन दोनों को मिला के आप बियर बना सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और आप उसे इंजॉय कर सकते हैं और उस बियर का टेस्ट जो है वो ओरिजिनल बियर के बराबर होगा। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो बियर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हमें 7% से लेके जो है 14% तक एल्कोहल उसके अंदर होता है। तो क्या एल्कोहल को हम एज ए पाउडर जो है हम स्टोर कर सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? देखिएगा इस वीडियो को पूरा, आपको इसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, अब मैं बात करता हूँ क्या ये पॉसिबल है, क्या अल्कोहल को एज ए पाउडर हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। हम अल्कोहल को एज ए पाउडर जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, हमें उसे लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर करना होगा। जी हाँ, जो इनका जो बियर पैकेट जो दिखाया गया, यदि वो पाउडर ना हो के यदि उसके अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म होता तो ये पॉसिबल हो सकता था कि बियर को जो है हम इंस्टेंट बियर के रूप में स्टोर कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है, हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है अल्कोहल जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो बियर पाउडर नहीं हो सकता, वो एक सेमी सॉलिड टाइप, जेल टाइप का जो है वो हो सकता है। और उसके जो है डिसएडवांटेज क्या होंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम अल्कोहल को स्टोर करते हैं, जैसे 90% प्योर अल्कोहल हम जो है वो स्टोर करते हैं, 90% प्योर एथेनॉल जो है वो हम स्टोर करते हैं, तो हम जो पीने के लिए यूज़ में लेते हैं वो हम एथेनॉल जो अल्कोहल होता है वो हम यूज़ में लेते हैं पीने के लिए, तो उसे 90% डाइल्यूशन पे यदि हम उसे पीते हैं तो वो डेफिनेटली जो है वो पॉइजनिक होता है, उससे जो है डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। तो उसे हम जो है 90% फॉर्म में कैरी नहीं कर सकते, उसे हम कैरी कर सकते हैं 45% तक जो है हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, जो भी बहुत ही हैवी हो जाएगा। यदि 45% पे भी हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो भी बहुत हैवी हो जाता है। तो इसके लिए हम इस तरीके से ये नहीं कर सकते, बेसिकली प्रैक्टिकली यदि बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। और यदि उस पाउडर को बिना यदि पानी के अंदर मिला, यदि वैसे डायरेक्ट यदि उसे पी लिया जाता है या खा लिया जाता है तो वो जो है एक पॉइजनिक हो सकता है, यदि ऐसा कोई इनोवेशन जो है किंगफिशर की तरफ से निकल के आता है। तो ये जो जहाँ तक मेरे को लगता है, जहाँ तक यदि 100% श्योर बात करें तो ये एक अप्रैल फुल प्रैंक है जो किंगफिशर की तरफ से हमें सामने देखने को मिला है। तो भैया, ये हमारे इमोशन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हुआ है। इसी वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर न्यूज़ सबसे पहले, हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।